क्वेश्चन रिलेटेड होता है ना सॉल्व करने के लिए। लेट मी सी, एप्लीकेशन का मतलब वही तुम्हारा एनालिसिस है, ठीक है, एनालिसिस है। सो आफ्टर टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर टू क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्क्वायर? तो डेफिनेशन बनाना मतलब वो क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया, ठीक है। ड्रॉ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जाएगा एनालिसिस, ठीक है। ड्रॉ स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा एनालिसिस। तो इसमें लेवल आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द टू क्वेश्चन इंटेंट टू मेजर। तो नॉलेज टू जो हो जाएगा वो क्या होगा, एप्लीकेशन है। नॉलेज वन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंथेसिस, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड ना? एप्लीकेशन मीन्स एनालिसिस या फिर अप्लाई। देखो मैं तुमको बोलूंगा स्क्वायर का मुझे क्या बताओ, डेफिनेशन बताओ। उस केस में ये क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर का तुम मुझे डेफिनेशन बताओगे, तुमने क्या किया, बस तुमने डेफिनेशन बताया, मतलब तुमको जो पता है तुमने उसका सिंथेसिस किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। मतलब डेफिनेशन देना इज कॉल्ड सिंथेसिस, बट जब तुम उसको एलाबोरेट करोगे दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है। स्क्वायर ड्रॉ करोगे या स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में बताओगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, अच्छे से, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एनालिसिस या एप्लीकेशन। तो आज जो हम पढ़े उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस जो पढ़े ना इसी में बेस्ड है। तो नॉलेज टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एप्लीकेशन हो जाएगा, नॉलेज वन तुम्हारा हो जाएगा सिंथेसिस, क्लियर? हाँ ओके। तो वन इज योर नॉलेज एंड टू इज योर सिंथेसिस, ऑप्शन बी करेक्ट है ना? हाँ सॉरी, नॉलेज वन, नॉलेज वन इज योर नॉलेज एंड टू इज योर एप्लीकेशन, वन इज योर सिंथेसिस, टू इज योर एनालिसिस, क्लियर? यस और नो? यस। ओके ओके ओके, सो यू कैन लीव नाउ।